हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमें देख रहे हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए दिसंबर 2023 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसी को लेकर ये रीडिंग है। और गर्ल्स वाइज सभी के लिए रीडिंग होगी जो सिंगल है, मैरिड कपल्स हैं, या आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप सभी के लिए यहाँ रीडिंग और मैसेजेस होंगे। यहाँ कार्ड शफल कर रही हूँ, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए और काफी कुछ मैसेजेस हैं। फर्स्ट अगर टैरो के साथ स्टार्ट करें आपके लिए रीडिंग, तो यहाँ आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। आप में से कुछ लोग जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ रिलेशनशिप में हैं, यानी मिथुन तुला और कुंभ आपके पार्टनर की राशियां हैं। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ देख रहे हैं सामने कुछ और है, इमेज और मिरर में कुछ और है। तो आपने किसी पे ऐसे भरोसा करा, अपना दिल खोल के रख दिया उनके सामने और उन्होंने आपको चीट किया। जैसा आप उनको समझ रहे थे वैसे वो नहीं निकले और दोहरे इंसान से आप डील कर रहे थे अभी तक। उन्होंने आपको बहुत गहरे तरीके से दुख पहुंचाया है। अभी तक काफी दुखी आप रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे अभी रिसेंटली और अब आप अवेयर हो गए हैं उस चीज से। अब आप उस रिश्ते की सच्चाई को जान गए हैं, ऐसा भी यहाँ दिख रहा है। तो काफी लोगों ने परेशानी देखी है, कुछ लोगों ने ब्रेकअप देखा है, कुछ लोगों ने तलाक जैसा देखा है। और अगर आप एक सिंगल पर्सन भी हैं तो कुछ लोगों का दोहरापन आपने अभी अभी देखा है, कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आई है, ऐसा भी हुआ है। वहीं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 3 ऑफ कप्स का। तो यहाँ इस मंथ में आपके लिए एक बड़ा सेलिब्रेशन का मौका आ रहा है, एक खुशखबरी आ सकती है जिसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे। पार्टी फंक्शन और इंजॉयमेंट जैसा मूवमेंट आएगा, आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं इस मंथ में। वहीं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है एज ऑफ वॉन्स का। तो यहाँ एरीज लियो सैजिटेरियस का मैरिज प्रपोजल आ सकता है, यानी मेष राशि सिंह राशि धनु राशि के लोगों की तरफ से आपको एक मैरिज प्रपोजल, लव प्रपोजल या एक फ्रेंडशिप ऑफर हो सकती है। और ये बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ यंग है, बहुत इंटेलिजेंट है ये और फायरी एनर्जी है। इस तरह के पर्सन आपसे जुड़ सकते हैं इस मंथ में, इनका सपोर्ट आपको मिलेगा। वहीं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको काफी सपोर्ट करने वाले हैं इस मंथ में। हो सकता है इससे पहले आप इस तरह का फील नहीं कर पा रहे थे उनकी तरफ से। वहीं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा आया है जस्टिस का। तो यहाँ आपके साथ न्याय होगा इस मंथ में और किसी तुला राशि के इंसान के साथ आप जुड़ सकते हैं, या उनका मैरिज प्रपोजल आ सकता है। कुछ लोगों के लिए लव प्रपोजल आ सकता है और लॉ से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं ये पर्सन, उनसे आपका कनेक्शन बढ़ सकता है इस मंथ में। वहीं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ फायर साइन की एनर्जी आई है आपके लिए। तो एरीज लियो सैजिटेरियस के साथ मेष राशि सिंह राशि धनु राशि के लोगों के साथ आपका कनेक्शन बढ़ सकता है, या आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव आपको फील करवाएंगे। आपके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार यहाँ दिख रहे हैं, स्टेप्स लेंगे, बोल्ड स्टेप्स आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम वो नहीं चाहेंगे इस मंथ में, ऐसा लग रहा है। और यहाँ चार्ज लेंगे वो सिचुएशन का। नेक्स्ट कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं इस मंथ में, ऐसा लग रहा है। और कुछ लोग ऑलरेडी इस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आपका एक डीप लेवल का लव कनेक्शन अपने पार्टनर से आप फील कर पाएंगे। और जो लोग सिंगल हैं वो सिंगल नहीं रहेंगे, आपका एक डीप लेवल का कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है। और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो यार कह सकते हैं, ये बहुत डीपर लेवल का लव होने वाला है। कंपैटिबल ये पर्सन होंगे आपके सोल लेवल, माइंड लेवल और बॉडी लेवल पे। और ये बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ आपको गहराई से प्यार करने वाले इंसान हो सकते हैं, जैसा ट्विन फ्लेम जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो सकती है इस मंथ में। और यहाँ 11 11 आपको इस मंथ में दिख सकते हैं। काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि काफी अप डाउन से अगर अभी तक आपकी जर्नी रही है तो वो सब चीजें आपके लिए बैलेंस होगी, 2 ऑफ कप्स ये भी बताता है। वहीं आपके लिए अगर हम देखें तो ओरेकल डेक से कार्ड्स आपके लिए जैसा आया है मैसेज ऑफ कंसर्न का, तो जिनसे आप एक्सेप्ट कर रहे थे वो मैसेज आपको मिल सकता है। अगर नो कांटेक्ट चल रहा था आपके पार्टनर से तो वो मैसेज कर सकते हैं इस मंथ में, ऐसा यहाँ लग रहा है। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आपके लिए पाथवे का आया है। तो काफी ज्यादा कठिनाई वाला रास्ता आपने अभी तक देखा है, बटरफ्लाई भी है, तो हो सकता है बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं,
बहुत परिवर्तन आपने देखे हैं जीवन में, हार्डशिप्स देखी है अभी तक, तो एक नए तरीके से जीवन में आप शुरुआत करेंगे और बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन आपको दिखाई देने वाला है इस मंथ में। आपको अपने सपने पूरा करने का रास्ता मिल जाएगा। वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है हाई ऑनर का, तो यहाँ एक बड़ी रिस्पेक्टफुल जॉब आपके लिए आ सकती है। बहुत बड़ी ऊंची पद पर आप पहुंच सकते हैं, रिस्पेक्ट बढ़ेगा, सोसाइटी में मान सम्मान बढ़ सकता है आपका, ऐसा भी लग रहा है। वहीं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है चेंज का, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में आपके लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लिए वेट कर रहा है। आप कहीं शिफ्ट होकर जा सकते हैं, या एक चेंज आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है और ये स्टेबल चेंज होगा, आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, ऐसा भी दिख रहा है। वहीं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है जुडिशियल पर्सन, ऑफिशियल पर्सन का कार्ड है, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ऑफिशियल पर्सन का मैरिज प्रपोजल, लव प्रपोजल या एक फ्रेंडशिप आपके लिए आ रही है। बहुत ही डिसिप्लिन, खूबसूरत, ये पर्सन काफी डिसिप्लिन है, बहुत रिस्पेक्ट है इनकी सोसाइटी में, इस तरह से आप इन्हें पहचान सकते हैं। फोर्सेस में हो सकते हैं ये, 22 ईयर्स के हो सकते हैं, तो इनसे आपका कनेक्शन बढ़ सकता है, या एक लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल और कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप इनसे हो सकती है आपकी। वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है डिस्टेंस ओरिजिन का, तो ओवरसीज से भी कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है और ये एयर साइन हो सकते हैं। यहाँ बर्ड देख रहे हैं आप, तो यहाँ एयर साइन का मैरिज प्रपोजल और प्रपोजल आपके लिए आ रहा है और ओवरसीज से ये पर्सन हो सकते हैं, इस तरह से भी आपके लिए लग रहा है। वहीं अगर आपके लिए देखें तो फेरिस की तरफ से मैसेज कार्ड आया है टेम्पटेशन का, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके पुराने ऐसे कड़वे अनुभव रहे हैं, उन चीजों की यादें आपको डरा रही है अभी तक, हो सकता है नाइट मेयर्स वगैरह फेस कर रहे हैं। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप अपने आप पे भरोसा रखें, डिवाइन ब्लेसिंग पे भरोसा रखें, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखें, आपके लिए सब कुछ ठीक होगा। और ये पुरानी जो आपके डर इनसिक्योरिटी है, इनसे अपने आप को दूर करें, मेडिटेशन पे ध्यान दें, सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दें, हैप्पीनेस पे ध्यान दें। आपके लिए इस मंथ में ऐसी गाइडेंस आई है, और अपनी जो पुरानी यादें हैं उनको भुलाने की कोशिश करें आप, उन डर से आप अपने आप को दूर रखें। वहीं लाइट का कार्ड है, द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन प्रिटेंड टू डार्कनेस। लाइट फेरी आपके लिए आए हैं, तो लाइट फेरी की ब्लेसिंग आपके लिए इस मंथ में आ रही है। आपके जीवन में जितनी भी डार्कनेस है, जितना भी अंधेरा है, जितने भी निराशा है, वो सब दूर होने वाला है लाइट फेरी की ब्लेसिंग से। जीवन में एक नई शुरुआत आप डेफिनेटली करेंगे इस मंथ में। और वही नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है हिडन डेथ का, सच भी आया है, समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, परहैप्स ए सीक्रेट और मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड, व्हेन वी एक्सपोज व्हाट्स हिडन वी कैन बिकम फ्री। ये आपको यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ आपकी ऐसी, कुछ पुराने ऐसी बातें हैं, बहुत गहराई वाली बातें हैं जो आपने शायद किसी से शेयर नहीं किए, पर इस दिल ही दिल में आप इन बातों को रखे हुए हैं अभी तक। तो इस मंथ में ऐसा कोई पर्सन आपको मिल सकता है जिससे आप ये सब शेयर करेंगे, और उसके बाद आप अपने आप को बहुत लाइट फील करेंगे, ऐसा भी यहाँ दिख रहा है। और वहीं आपके लिए जो पर्सन आ सकते हैं उनके इनिशियल जॉडिक साइन और आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज होगा, एल नाम से हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर का नाम, आर यू पी जी नाम से हो सकता है। आपकी राशि देखें अगर आपके पार्टनर की, तो लीब्रा हो सकते हैं तुला राशि के, एरीज हो सकते हैं मेष राशि के, वर्गो हो सकते हैं कन्या राशि के, और एक्वेरियस हो सकते हैं कुंभ राशि के। आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज होगा इस मंथ को लेकर, आई नो यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी नो मैटर वॉट, ये कुछ भी हुआ हो पर आप उनके लिए हमेशा हैं, ऐसा मैसेज है। आई ऑलमोस्ट हेट हाउ मच आई लव यू, जी बहुत ज्यादा चाहते हैं आपको वो, इवन दो आई डोंट शो इट आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस, जी कुछ हुआ है आपके बीच में तो वो आपसे सॉरी भी मांग रहे हैं इस मंथ में। आई एम नॉट हाइडिंग एनी थिंग ट्रस्ट मी माई लव, जी वो आपसे कुछ नहीं छुपा रहे, ऐसा मैसेज है आपके लिए। कैन यू गिव मी अनदर चांस, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उन्हें एक चांस और देंगे। यू आर रियली क्यूट, सुपर डुपर क्यूट, जी आप बहुत क्यूट लगते हैं उनको, तो ऐसा मैसेज है आपके लिए। एक मैसेज वो ले रहे हैं, आई एम नॉट दैट परफेक्ट बट माई हार्ट विल ऑलवेज बीट फॉर यू, जी उनका दिल आपके लिए हमेशा धड़कता है, चाहे वो इतने परफेक्ट नहीं है पर फिर भी
तो आप लोगों के लिए ही मैसेजेस से और ये रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव हैप्पी मंथ सेजिटेरियस।